गाय अगर गाय दूध ना दे तो उसे मारा जा सकता है, ये बयान दिया अनिल वर्मा ने। सपा उम्मीदवार हैं और देखिए किस तरह से इनके बिगड़े हुए बोल नजर आ रहे हैं। सपा उम्मीदवार अनिल वर्मा कह रहे हैं अगर गाय दूध ना दे तो उसे मारा जा सकता है। यूपी के चुनाव में वोटों की फसल काटने के लिए नेता अपनी जुबान से जहर उगल रहे हैं। नेता प्रचार के दौरान भड़काऊ बातें करके वोटर को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में नेताओं के विवादित बोल खूब वायरल हो रहे हैं। सीतापुर में भी एक नेता का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सीतापुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनिल वर्मा ने गौ माता के खिलाफ जहर उगला है। अनिल वर्मा ने कहा कि अगर गाय दूध देना बंद कर दे तो उसे मार देना चाहिए। घर में जब कभी टीवी लाते हो, फ्रिज लाते हो या और कोई अच्छी चीज लाते हो तो बड़ी खूबसूरती से उसको सजाते हो, जब वो खराब हो जाता है तब उसको कूड़ाखाने में भेज देते हो। हिंदुस्तान के संविधान में व्यवस्था है, जो गाय दूध देना बंद कर दे, मरणासन्न स्थिति हो जाए और डॉक्टर का परमिशन लेकर के उसको समाप्त किया जा सकता है नहीं है। अनिल वर्मा ने गौ माता को मारने की बात तब कही जब उनसे किसी ने सवाल किया कि आवारा पशु के मसले पर समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर क्या करेगी, जिसके जवाब में अनिल वर्मा ने कहा कि जैसे घर में लाइट टीवी फ्रिज को खराब होने पर कूड़ेदान में भेज दिया जाता है, वैसे ही अगर गाय दूध देना बंद कर दे तो उसे डॉक्टर की परमिशन से मारा जा सकता है। समाजवादी उम्मीदवार के गौ को मारने वाले बयान के बाद से सीतापुर में बखेड़ा खड़ा हो गया है और अब बीजेपी अनिल वर्मा के खिलाफ मैदान में उतर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।